आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने नई राजनीतिक पार्टी के रूप में एंट्री मारी है। प्रदेश के लिए इस नई राजनीतिक पार्टी ने लोगों को जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान शुरू किया है, जिसकी शुरुआत रीवा से की गई। दरअसल आज एक प्रेस वार्ता के दौरान जनसत्ता दल के पदाधिकारियों ने कहा कि वह लोगों के बीच राजनीति के लिए नहीं बल्कि सेवा भावना के साथ पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति नहीं सेवा के नीति के नारों के साथ सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी लोगों की सेवा के लिए मध्य प्रदेश की धरती पर राजनीति का एक नया अध्याय जोड़ने वाली है। वार्ता के दौरान जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उसकी पार्टी चुनाव के मैदान पर उतर चुकी है और अब मध्य प्रदेश में लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। आज जो पार्टियां शासन कर रही हैं, वह जाति धर्म की राजनीति से शासन करना चाहती हैं, लेकिन जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी सबको एक साथ लेकर देश को प्रगति की राह पर चलने के लिए पथ बनाने निकली है। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है पार्टी के पदाधिकारियों का। देश में देखा जा रहा भाजपा का बोलबाला, ऐसे में आप अपनी पार्टी को नीचे से जमीन उठाकर ऊपर ले जाना नहीं, भाजपा कहाँ बोलबाला। अगर भाजपा का बोलबाला होता तो बंगाल में भाजपा आती, छत्तीसगढ़ में भाजपा आती। अगर बोलबाला होता तो कुछ राज्यों की बात आप कर रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं। नहीं तो कुछ राज्यों में भी तो भाजपा ही है ना, सब राज्यों में थोड़ी ना देश के सभी राज्यों में भाजपा। देश में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी, ऐसे में कैसे आप मुकाबला करेंगे। नहीं सबसे बड़ी कांग्रेस को आप भूल गए क्या, जो विगत 50 वर्षों से नई चीजों के साथ आप जनता की बीच में जाएंगे और जनता आकर्षित होगी आपसे। जी जनता बिल्कुल हो, क्योंकि जनता भाजपा और कांग्रेस दोनों के क्रियाकलापों से ऊब चुकी है, इसलिए जनता पूरी तरह से हमारी तरफ आकर्षित होगी। हमारे अध्यक्ष जी द्वारा हर वर्ष 100 गरीब कन्याओं का विवाह किया जाता है, जो कि सर्व समाज से होती हैं और जनहित में कार्य किया जाता है, इसलिए जनता बिल्कुल आकर्षित होगी हमारी ओर। वो मुख्यमंत्री वो सरकार की योजना से करते हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष जी अपने निजी व्यय से करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज तक के जितने भी राष्ट्रीय नेता हुए हैं वो उनका जीतना प्रतिशत घटता है और हारते भी है। हमारे राजा भैया आज तक जब भी चुनाव जीते हैं तो उनका प्रतिशत बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और आज तक का उनका रिकॉर्ड कि जहाँ से राजा भैया चुनाव लड़ते हैं वहाँ सिर्फ 8,000 ठाकुर हैं। उन्होंने जातिवाद के बारे में बोला है, मैं बताता हूँ, कुंडा उनका चुनाव क्षेत्र प्रतापगढ़ से 30 साल से लगातार विधायक है। और आपको बता दूं कि प्रतापगढ़ में 8,000 राजपूत हैं। जो ये चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा जातिगत यादव, मतलब सब कास्टवाद बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने बोला है कि कास्टवाद छोटा बड़ा ये वो, इस चीज को खत्म करते हुए बताया उन्होंने कि जहाँ 8,000 ठाकुर है मैं वहाँ पे तकरीबन वहाँ 40,000 से 50,000 वोट है 30 साल से यदि मैं लगातार वहाँ पे हूँ तो इसका मतलब लोगों को सबको साथ में लेके चल रही है, लोगों का इतना विश्वास है, छोटा है बड़ा है सब उनके साथ। 8,000 ही ठाकुर है तो फिर उनको चुनाव ही नहीं जीत पाते, तो उन्होंने मतलब इस चीज को बताया, मतलब सबको साथ सबको एक साथ मतलब लेके काम करना। उन्होंने राजनीति को सबसे मतलब पहले अलग कर दिया, नो राजनीति, मतलब राजनीति नहीं है। उन्होंने आप यहाँ पे हमारे बैनर में देखिए उनका सबसे पहला मोटिव है सेवा, तो उनको मतलब सेवा करनी, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सिर्फ राजनीति।